उत्तर प्रदेश की राजधानी में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर काशी प्रयागराज सहित देश के साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो बयान दिया गया है कि मठाधीश महंत दोनों एक ही हैं, माफिया के रूप में माफिया के पर्याय हैं, इस तरह का बयान सनातन हिंदुओं के लिए बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि हमारे भारत में पूज्य संतों को एक बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे देश के मठाधीश और महंत समाज का मार्ग तय करते हैं, समाज की सनातन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने संतों को टारगेट किया है, उन्होंने संतों को माफिया से जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को माफिया उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि माफियाओं का काम क्या है, और क्योंकि अब उनको उनके जो अनुयायी थे, जो उनको पैसा देने वाले थे, जो जो वो पाल रखे थे अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को, आज उस दुनिया में नहीं है। देश में तंज कसने का दौर काफी परवान चढ़ रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसा। वहीं अखिलेश यादव ने कल एक बयान में कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के कई साधु संतों में काफी रोष है, जिन्होंने नाराजगी जताई है। देखने वाली बात है कि इस तंज का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।